Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखेंगे कि आप अपने मोबाइल से ई पास कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जाना है किसी भी ब्राउज़र में। ब्राउज़र में जाने के बाद हमें सर्च करना है ई पास झारखंड। मैं सर्च कर ले रहा हूँ ई पास झारखंड, और हमें आना है इस वेबसाइट पे। ये जो लिंक दिख रहा है आपको, बस इस पर क्लिक करना है। तो मैं कर लेता हूँ इस पर क्लिक, और ये खुल रहा है। ओके, तो सबसे पहले इसमें हमें रजिस्टर करना होगा। तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ रजिस्टर हियर पे क्लिक, जो यहाँ पे है। ये मैं रजिस्टर हियर पे कर लेता हूँ क्लिक। ये मैंने किया रजिस्टर हियर पे क्लिक। अब ये पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया अपना मोबाइल नंबर। अब कर लेता हूँ सबमिट पे क्लिक। ये कंफर्म पूछ रहा है मोबाइल नंबर, तो मैं दोबारा डाल देता हूँ मोबाइल नंबर। फिर से सबमिट पे करता हूँ क्लिक। अब ये रहा, पूछ रहा है कि आप एक पासवर्ड बनाइए। तो यहाँ पे पासवर्ड में कम से कम 6 कैरेक्टर्स का होना ज़रूरी है, जिसमें से कम एक अपर केस लेटर होना चाहिए, और कम से कम एक लोअर केस लेटर, और कम से कम 0 से 9 तक कोई भी एक अंक, और एक स्पेशल कैरेक्टर्स जो यहाँ पे दिए गए हैं और आपके कीबोर्ड में भी होंगे। ओके, तो मैं बना लेता हूँ अपना पासवर्ड। ओके, तो हाइड करता हूँ थोड़ा सा वीडियो। तो ये मैंने डाल लिया पासवर्ड, करता हूँ सबमिट पे क्लिक। ये सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें आ रहा है पासवर्ड पॉलिसी मैस्ट का पॉपअप। इसको कर लेते हैं ओके। फिर ये कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं यहाँ से जो पासवर्ड अभी तुरंत पहले डाला वही पासवर्ड मैं फिर से दोबारा डाल देता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए करता हूँ वीडियो को। अब मैं फिर से कर देता हूँ सबमिट पे क्लिक। क्लिक करने के बाद मुझे फिर से एक पॉपअप आया जिसमें लिखा हुआ पासवर्ड पॉलिसी मैस्ट। मैं फिर से करता हूँ ओके। सॉरी, थोड़ी सी नेट स्लो है। ओके, तो ये हो रही है लोडिंग। थोड़ी देर के लिए कर लेता हूँ वीडियो को पाउज। ये खुल चुका है और रजिस्टर्ड हो चुका है मेरा मोबाइल नंबर इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर शो कर रहा है। ये मेरा मोबाइल नंबर शो कर रहा है यहाँ पे, और मैं अब यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड। ओके, ओके, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कैप्चा। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आए तो आप कैप्चा पे ही क्लिक करें। क्लिक करते ही ये कैप्चा चेंज हो जाएगी। ओके,
तो मैंने कर दिया क्लिक। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये कैप्चा, ये मैं डाल दे रहा हूँ। डाल दिया कैप्चा, अब करते हैं लॉग इन पे क्लिक। ओके सॉरी, पिछली बार लॉगिन नहीं हुआ तो मैं फिर से कर लेता हूँ। यहाँ पे डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। और यहाँ पे डाल देता हूँ पासवर्ड। ये मैंने डाल दिया पासवर्ड। अब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कैप्चा। मैं डाल रहा हूँ कैप्चा, ये मैंने डाल दिया कैप्चा। अब करता हूँ लॉग इन पे क्लिक। लॉग इन हो रही है, ये लॉग इन हो चुकी है। ओके तो आप देख सकते हैं ई पास मैनेजमेंट सिस्टम, यूज़र प्रोफाइल, प्रोग्रेस बार, ये मेरा टोटल 21% प्रोग्रेस हुआ है अभी। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये मेरा सॉरी पर्सनल डिटेल्स पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, तो मैं करता हूँ पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक। ये यहाँ पे नेम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम। ओके मैंने नाम डाल दिया। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ। ये जेंडर पूछ रहा तो मैं यहाँ पे जेंडर मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फादर नेम पूछ रहा तो मैं यहाँ पे फादर नेम लिख देता हूँ। ओके तो मैंने फादर नेम लिख दिया। ये मोबाइल नंबर मेरा शो कर रहा, मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। ये मैं डाल दे रहा हूँ एड्रेस। ये मैंने डाल दिया एड्रेस। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट, तो स्टेट झारखंड में, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ झारखंड। और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट, और ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट जामताड़ा। ओके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पिन कोड, और फिर मैं करता हूँ सेव पे क्लिक। मैंने सेव पे कर दिया क्लिक। मेरा पर्सनल डिटेल्स हो चुका है कंप्लीट, ये लिख रहा कंप्लीटेड, और मेरे प्रोग्रेस बार जो 79% हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सेक करता हूँ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, इस पर करता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक। ये खुल रही है। ओके तो यहाँ पे मैं करता हूँ आईडी टाइप, तो आईडी टाइप पे आप अपने अनुसार आपको जो देना है वो आप दे सकते हैं। तो मैं अभी आधार दे रहा हूँ तो मैं आधार पे कर लेता हूँ क्लिक। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर पूछ रहा है। ओके तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और डॉक्यूमेंट नंबर डाल देता हूँ। ओके तो मैंने डाल दिया डॉक्यूमेंट नंबर। अब यहाँ पे ये बोल रहा अपलोड आईडी, तो अपलोड आईडी और ये डायमेंशन दे रहा है 300 पिक्सल × 500 पिक्सल्स एंड 250 KB JPG ओनली, ये JPG में मांग रहा है। ओके तो मैं डाल देता हूँ, फिर से थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आपको ये अपलोड आईडी में फ़ोटो का साइज़ ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको कम कैसे करें, ठीक ना, उसको पिक्सल्स में कैसे चेंज करें, ये इतना पिक्सल्स कैसे बनाएं, अगर ये जानकारी चाहिए तो कृपया आप
मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें पूरा अच्छा तरीके से समझाया गया कि कैसे आप फ़ोटो साइज़ को कम कर सकते हैं, कैसे पिक्सल्स में आप लिख सकते हैं और फ़ोटो साइज़ को कम कर सकते हैं। और फिर इसका उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो मैं फिर से अब यहाँ पे कर देता हूँ सेव पे क्लिक। ये मैंने कर दिया सेव पे क्लिक। आप देख सकते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया है और ये मेरा प्रोग्रेस बार 100% हो चुका है और मेरा सारा कंप्लीटेड दिखा रहा है। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ई पास के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे ये 3 डॉट लाइन, इस पर क्लिक करना है, इस 3 डॉट लाइन पे। ओके, तो करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ई पास पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट ई पास पे क्लिक करना है। ये खुल रही है। ओके, तो फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट फॉर अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट। आप किस डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं देवघर डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देवघर क्लिक करता हूँ। और ये टाइप ऑफ ई पास पूछ रहा है आप किस प्रकार का ई पास आपको चाहिए या किस प्रकार का आपको चाहिए। तो गोइंग आउटसाइड झारखंड, क्या आप झारखंड से बाहर जाना चाहते हैं उसके लिए, झारखंड से आना चाहते हैं इसके लिए, या फिर आउटसाइड द झारखंड बट विद इन आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन झारखंड, क्या आप इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं झारखंड राज्य के ही। तो मैं अभी मुझे जामताड़ा जाना है, तो मैं यहाँ पे आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन झारखंड पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ सेव पे। ये हो चुका है मेरा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे योर करेंट एड्रेस पूछ रहा, तो मैं अभी जहाँ पे हूँ वो करेंट एड्रेस मैं डाल देता हूँ। अभी मैं करनी बाग देवघर डाल देता हूँ। ओके, और ये पूछ रहा सेलेक्ट विजिटिंग स्टेट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये झारखंड पे क्लिक कर देता हूँ। और ये पूछ रहा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो मैं मुझे पहले इधर देख लेते थोड़ा सा विजिटिंग, ठीक ना, जाना कहाँ है हमको। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे जामताड़ा क्लिक कर लेते हैं। और ये पूछ रहा है विजिटिंग एड्रेस, जहाँ हमको जाना है उस एड्रेस को डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपन उस एड्रेस को जहाँ मुझे जाना है। ओके, तो मैंने डाल दिया। और अब यहाँ से ये पूछ रहा है ई पास कैटेगरी, तो मैं ई पास कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ क्लिक। अरे गवर्नमेंट ड्यूटी, एसेंशियल सर्विस, मेडिकल इमरजेंसी, ड्यू टू डेथ, आपको जो चीज़ जरूरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एसेंशियल सर्विस। ओके, ये टाइप ऑफ जर्नी पूछ रहा है, तो इस पर करता हूँ क्लिक। मुझे सिर्फ जाना है तो मैं वन वे पे क्लिक करता हूँ, अगर जाके फिर आना है तो मैं विजिट एंड रिटर्न पे क्लिक करूँगा। तो मुझे सिर्फ जाना है तो मैं यहाँ पे वन वे पे क्लिक करता हूँ। और ये पूछ रहा है अब रिक्वेस्ट शेड्यूल, आप कब चाहते हैं। तो और फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। मैं और करता हूँ यहाँ पे, मुझे कल जाना, तो मैं यहाँ 14/5/2020 का डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कब तक मैं पहुँच जाऊँगा, तो फिर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ 15 तक ले लेता हूँ। ओके ओके, फिर यहाँ पे टाइप ऑफ व्हीकल पूछ रहा है कि मैं किस गाड़ी में जाऊँगा, तो यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट पे क्लिक। 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सीट कैपेसिटी अप टू 5। ओके, बिग बस, तो मैं यहाँ पे 4 व्हीलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 4 व्हीलर पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके, और अब नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के साथ कौन कौन और पर्सन जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिर्फ एक या और ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और दो जाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक कर लेता हूँ और उन दोनों का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉमा देके, ओके, तो मैंने लिख दिया दोनों का नाम। अब यहाँ पे पूछ रहा
व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो मैं यहाँ पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दे रहा हूँ। और मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना नहीं है अभी। ओके सर, रीज़न फॉर ई पास। ओके तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गोइंग टू होम, आप अपने हिसाब से रीज़न डाल सकते हैं। ओके और यहाँ पे व्हीकल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे गाड़ी के कागज़ को अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, ये यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है और 10 MB से नीचे होना चाहिए, 10 MB से ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। और ये पर्सन्स डॉक्यूमेंट्स, ओके यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उन सब का डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 MB से नीचे ही होना चाहिए। ओके उसके बाद फिर हम सेलेक्ट करके डाल लेंगे डॉक्यूमेंट को और डिक्लेरेशन पे आप डिक्लेरेशन पढ़ लें और इस पर टिक लगा लें। ओके ये मैंने टिक लगा दिया, आप डिक्लेरेशन को पढ़ के आराम से टिक लगा सकते हैं और फिर सेव पे क्लिक कर दें तो आपका रिक्वेस्ट ई पास के लिए ऐप पेंडिंग में चला जाएगा। उसके बाद ई पास आपका डिस्ट्रिक्ट द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा थोड़ा देर बाद हो कुछ देर बाद। ओके और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट साइज पीडीएफ में कैसे बनाते हैं इस पे वीडियो चाहिए तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट साइज को कैसे कम करते हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ओके जेपीजी से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। ओके तो आज के लिए धन्यवाद। ओके और फिर एक चीज़ और, आप ये सेव पे क्लिक करने के बाद उस ई पास को देखेंगे कैसे, तो फिर से मैं यहाँ पे आना है, ये 3-डॉट लाइन पे क्लिक करना है, 3-डॉट लाइन पे क्लिक करने के बाद ई पास पे क्लिक करना है और यहाँ पे व्यू ई पास पे क्लिक कर देना है। व्यू ई पास पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखने को मिलेगा। ओके तो यहाँ पे आपका इस जगह पे नो रिकॉर्ड्स ऑफ पेंडिंग पास रिक्वेस्ट टू व्यू, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ रहेगा सारा चीज़, स्टेटस लिखा रहेगा कहाँ पे पेंडिंग है और एक्शन पे व्यू लिखा रहेगा। अगर आपका स्टेटस अप्रूव हो जाता है तो आप व्यू पे क्लिक करके अपना देख सकते हैं, पास डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अप्रूव नहीं होता फिर भी आप व्यू पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ओके और अगर आपको डाउनलोड करना हो तो फिर यहाँ से ई पास पे फिर से क्लिक करें, डाउनलोड ई पास पे क्लिक करें। ई पास डाउनलोड ई पास पे क्लिक करने के बाद आपका ई पास यहाँ पे शो करेगा और आपको यहाँ पे एक्शन पे व्यू लिखा हुआ आएगा। ओके तो व्यू पे क्लिक करने के बाद आप उसे पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके धन्यवाद आज के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।